हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आपके गुलमोहर बुक के अगले चैप्टर यानी ब्राउन उल्फ के क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 1, मेचर वर्ल्ड के लिए उस डॉग का प्यार पाना मुश्किल क्यों था? इसका आंसर है, मेचर वर्ल्ड के लिए उस कुत्ते का प्यार पाना इसलिए आसान नहीं था क्योंकि वो कुत्ता किसी से जल्दी घुलता मिलता नहीं था, और उस कुत्ते ने इस बात की भी मनाही कर रखी थी कि कोई उसे हाथ भी लगाए। क्वेश्चन नंबर 2, वॉल्ट ने इस बात को कैसे इंश्योर किया कि जब भी वो कुत्ता कहीं जाएगा तो उसे वापस लौटा दिया जाएगा? इसका आंसर है, वॉल्ट ने एक मेटल प्लेट उस कुत्ते के कॉलर के साथ अटैच कर दिया जिस पर वॉल्ट का एड्रेस लिखा हुआ था। इस प्रकार उन्होंने इस बात को इंश्योर किया कि जब भी वो कुत्ता कहीं भागेगा वो उसे वापस लौटा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, वो कुत्ता जब बार बार भाग जाता था तो वॉल्ट और वेज ने क्या नोटिस किया और उन्होंने इस बात से क्या अंदाजा लगाया? इसका आंसर है, वॉल्ट और मेज ने ये नोटिस किया कि जितनी बार वो भागता था उतनी बार वो नॉर्थ की तरफ ही जाता था। उन्होंने इस बात से ये गेस किया कि ये उस कुत्ते की नेचुरल फीलिंग होगी जो उसे ओरिजिनल प्लेस तक लेके जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, मेज और वॉल्ट एक दिन किससे मिले और वो इंसान कहाँ से आ रहा था? इसका आंसर है, एक दिन मेज और वॉल्ट स्किफ मिलर से मिले। वो क्लॉन्डाइक से आ रहा था। क्लॉन्डाइक नॉर्थ वेस्टर्न कनाडा का एक जगह है। क्वेश्चन नंबर 5, उसने उल्फ के पैरों को पकड़ा और उसे एग्जामिन करने लगा, मतलब उसे जांचने लगा। यहाँ पर किसके बारे में बात की जा रही है और उल्फ के पास्ट में जो बिहेवियर था उससे आपको क्या लगता है कि वो किसी अजनबी को इस तरह से छूने देता, हाँ या ना? इसका रीजन बताना है। इसका आंसर है, यहाँ पे स्किप मिलर के बारे में बात की जा रही है और उल्फ के पास्ट में बिहेवियर से हम ये कह सकते हैं कि वो किसी भी अजनबी को अपने पास इस तरह आने नहीं देता क्योंकि वो बहुत ही अनफ्रेंडली था। चूंकि स्किप मिलर उसका अपना मालिक था इसलिए उसने उसे खुद को छूने दिया। क्वेश्चन नंबर 6, ये आदमी जरूर कोई मजाकिया है, तो ऐसा क्या था जिससे मिच स्किप मिलर के बारे में ऐसा सोचने पे मजबूर हुई? क्या वो सच में कोई मजाक कर रहा था? अपने आंसर के लिए रीजन देना है। इसका आंसर है, जब मिलर उस कुत्ते के पैरों को रगड़ रहा था तभी उस कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया, और ये पहली बार था मेजर वॉल्ट के लिए कि उन्होंने उस कुत्ते को भौंकते हुए देखा था। यही वजह थी जिसके कारण मेज यह सोचने पे मजबूर हो गई कि ये इंसान जरूर कोई मजाकिया होगा। नहीं, ये इंसान कोई मजाक नहीं कर रहा था, ये सच में उस कुत्ते का मालिक था और उस कुत्ते का नाम ब्राउन था। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ किसी विषय को लेकर मिलर कुछ सोच में डूबा हुआ है, तो वो विषय क्या है और स्किप मिलर के दिमाग में क्या चल रहा है? उसके दिमाग में किस बात को लेकर वाद विवाद चल रहा है? इन सब के आंसर हमें देने हैं। इसका आंसर है, यहाँ पे कुत्ते के अपने चॉइस के बारे में बात की जा रही है, उसकी अपनी पसंद क्या है। स्किप मिलर के माइंड में इसी बात को लेकर वाद विवाद चल रहा है। वो इस बात को लेकर असमंजस में था कि वो कुत्ता वाकई में उसके साथ जाना चाहता है या फिर वहीं पे वॉल्ट और मेज के साथ रुकना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 8, क्या आपको लगता है कि उस कुत्ते ने स्किफ, मेज और वॉल्ट तीनों को यह कहने की कोशिश की कि उन तीनों को एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए? अगर हाँ तो रीजन बताना है। इसका आंसर है, हाँ, उस कुत्ते ने कोशिश की स्किफ, मैच और वॉल्ट तीनों को बताने की कि वे लोग तीनों एक साथ मिलजुल कर रह सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब मिलर जा रहा था तो उस टाइम उस कुत्ते ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन जब वो उसे नहीं रोक पाया तो फिर वो वापस मैच और वॉल्ट के पास गया और फिर उन्हें ट्राई किया मनाने की कि वे मिलर को रोक ले। इस इवेंट से हम ऐसा कह सकते हैं, वो कुत्ता चाहता था वे तीनों एक साथ रहें। क्वेश्चन नंबर 9, क्या उस कुत्ते ने अंत में एक दृढ़ निर्णय लिया था? आप इस बारे में कैसे कह सकते हैं? इसका आंसर है, हाँ, उस कुत्ते ने एक
दृढ़ निर्णय लिया था। वो सीधा अपने रास्ते की ओर देख रहा था और आगे देखते हुए ही उसने भागना शुरू किया। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और सीधे अपने मालिक के पास जा पहुंचा। आई होप इट विल हेल्प ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।